लद्दाख वीरों की धरती है, चाहे 1947 हो, एयरफोर्स 1962 की जंग, या फिर कारगिल की लड़ाई। यहाँ के वीर फौजियों ने, लेह और कारगिल के जांबाज लोगों ने देश की सुरक्षा निश्चित की है। इतनी खूबसूरत पहाड़ियों से सुशोभित लद्दाख अनेक नदियों का स्रोत भी है, और सही मायने में हम सभी के लिए ईश्वर का उपहार है। 9-10 महीने में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप जिन मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, हर कठिनाई को चुनौती देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि आप सभी के लिए और डटकर काम करना है। जो स्नेह आप मुझे देते हैं, मुझे ब्याज समेत विकास करके उसको लौटाना है। मुझे ये एहसास है कि मौसम आप सभी के लिए मुश्किलें लेकर आता है। बिजली की समस्या होती है, पानी की दिक्कत आती है, बीमारी की स्थिति में परेशानी होती है, पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना पड़ता है, दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मैंने यहाँ पर, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है आपके बीच रहने का। पहले जब मैं मेरी पार्टी का संगठन का काम करता था, तो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पर रहते हुए खुद देखा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है। साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इसलिए मैं खुद बार बार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता रहता हूँ। पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के, 3000 करोड़ रुपये, उसके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। द्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ले और करगिल के अनेक गांवों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं श्रीनगर, अलुस्तेंग, द्रास, कालगी ट्रांसमिशन लाइन का तो मुझे ही शिलान्यास करने का अवसर मिला था, और आज लोकार्पण भी मुझे ही करने का सौभाग्य मिला। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से अब लेह लद्दाख की बिजली की समस्या कम होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है, और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो।